हमें नेक्स्ट 13 नंबर में देखिए क्या दिया है, हमें निकालना है साइन 22/14 के लिए। तो हम लोग यहाँ ले लेते कि लेट एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे लेट एक्स में ले लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में 22/14। एक्स का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई टू इसमें रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और प्लस का डेल्टा एक्स इक्वल टू में 22/14, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 22/14 और माइनस का पाई बाई टू, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स इन टू में डेल्टा एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 22/14। यहाँ पे एफ एक्स के लिए, तो एफ एक्स के लिए आपके पास ऊपर है साइन एक्स और एफ डैश एक्स के लिए है कॉस एक्स और डेल्टा एक्स के लिए 22/14 माइनस का पाई बाई टू, तो एक्स का वैल्यू इसमें रख देते हैं और ये फंक्शन में रख देंगे। तो साइन 22/14 इक्वल टू में साइन पाई बाई टू प्लस का कॉस पाई बाई टू इंटू में 22/14 माइनस का पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का आपका 1 हो जाएगा और इसका 0 और 0 इंटू में 22/14 माइनस का पाई बाई टू, ये तो सब 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन